नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार सोनी और आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया कमर। हम दोनों आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं ब्रिक्स मशीन के बारे में। हम एसके इंडस्ट्री से हैं और हम आपको मुझे बताइए ये कौन सी मशीन है। ये मैनुअल फोर ब्रिक्स मशीन है। इस मशीन को आप ईंट बनाने की या ईंट बनाबा वाली मशीन भी कह सको हो। इसमें किस टाइप की ईंटें बनती है? इसमें सीमेंट की ईंट बनेगी और भी वेरिएंट जो आजकल नई चल रही है उसमें चूना मिट्टी और मड़ जो मड़वा होता है उसकी ईंट बनती है। इसमें चूने के साथ साथ में आप फ्लैश वाली, डस्ट वाली या इसमें जो भी डेमो आप करना चाहते हैं वो ईंट बना सकते हैं। ये मशीन फोल्डिंग है, इसके अंदर आप इंटरलॉक जिगजैग भी बना सकते हैं। विदाउट प्रिंटेड वाले प्लेन बनेंगे लेकिन बन जाएंगे। ठीक है, किस किस मटेरियल का यूज़ होता है? सीमेंट की ईंट बनाने के लिए आप आमतौर पर देखोगे जहाँ आपके लोकल एरिया में जो माइनिंग होती है वहाँ गिट्टी क्रेशर लगे होते हैं। उस गिट्टी क्रेशर के प्लांट पे जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ आपको डस्ट मिल जाएगी, उस डस्ट का पाउडर मिल जाएगा जो कि वेस्टेज होता है उनके लिए। वहाँ 0 mm से लेकर 20 mm तक की गिट्टी मिलती है, उसमें से आप 6 mm की या 2 mm की 3 mm की गिट्टी जो आपके रीजनेबल हो, आपकी प्राइस में हो और आपको एक रीजनेबल या एक मिनिमम कॉस्ट की हो जिससे आपको मार्जिन या बेनिफिट हो सकता हो, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप ये बताएंगे इसमें किस टाइप की ईंटें बनके तैयार होती है? इसमें सभी तरह की ईंटें बनेगी जो आपके मॉडिफाई में होगी। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने मेरे रखी हुई है, मैंने अभी इसका डेमो किया है। इस ईंट का जो साइज है वो 9x4x3 का है। लंबाई इसकी 9 की रहेगी, चौड़ाई इसकी 4 की रहेगी और ऊंचाई जो है इसकी 3 इंच रहेगी। इसमें और भी वेरिएंट है, और भी क्वालिटी वाले हैं। जो हमारे MP में चलती है वो इस प्रकार की है, 7.5, 2.5 और 2.5। MP के अंदर जो ईंटें चलती हैं, जो ब्रिक्स चलती हैं, जिसका प्रचलन है वो है अपने इस ईंट का। इसमें क्या होता है, लाइनिंग होती है। अगर बाई चांस ये चिकना होता है तो इसको प्लास्टर को पकड़ने के लिए आसानी से पकड़ सकता है। इसकी साइज जो होती है 7.5, 2.5 और 2.5 या इसकी 8x4x4 की होती है, 8x4x3 की होती है। इसके अलावा अपने पास में और भी होती है जिसमें से आप 10x5x3 की बना सकते हैं। उसकी साइज आपके अकॉर्डिंग होती है। मशीन पूरी फोल्डिंग होती है जिसमें आप फोल्डिंग करके कोई भी डे लगा के कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई भी ईंट का या इंटरलॉक का जिगजैग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ये है, ये प्लास्टिक मोल्ड का बना हुआ है। इसमें मशीन में ये मैनुअल मशीन होने के कारण इसमें ये डिजाइन नहीं आएगी, ओनली फॉर प्लेन आएगा। प्लेन का मतलब ये होता है इसमें बिल्कुल प्लेन आएगा, ये डिजाइन नहीं आएगी। अब आपको मैं मशीन दिखाता हूँ। मशीन के साथ में आप देखिए, इसका एक बॉक्स आएगा, ये मशीन आएगी। इस मशीन में लगी हुई 9x4x3 की जो भी आपका ऑर्डर होता है, 9x4x3, 10x5x3, 8x4x4 जो भी आपका ऑर्डर होता है, आपके लोकल एरिया में जो चलने वाली मशीन होती है, ईंट की जो साइज़ होती है वो आप इसमें लगवा सकते हैं। एक्स्ट्रा डई चाहिए आप मंगवा सकते हैं। कंपनी से आप संपर्क करके, आप उस कंपनी के सेल्समैन से बात करके या हमारे से बात करके आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे सपोज कीजिए आपको 5 लाख ईंटों की ज़रूरत है या 1-2 लाख ईंटों की ज़रूरत है, तो आप इन दोनों मशीनों को लेके, ये मशीन है इसके साथ में मिक्सर लेना होता है। इसमें क्या होता है, मिक्सिंग करने के लिए आपको माल को जो मेटल मिक्सिंग करते हैं उसमें अपना एक रेशो होता है। हम आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का साइज, ये मिक्सर है। इस मिक्सर का फ़ायदा क्या होता है, इसको लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो मसाला होता है वो एक साथ मिक्सिंग हो जाता है टाइमिंग के साथ में। इसमें आप 1/6 का, 1/8 का, 1/14 का मसाला बना सकते हैं। इसमें आप 2 तगारी चूने की, 1 तगारी सीमेंट की डालकर उसमें 14 तगारी आप 2 मेटल डालकर आप एक अच्छा सा मार्जिन कमाने के लिए, एक अच्छी सी ब्रिक्स निकालने के लिए एक अच्छा मेटल जो है मिक्सिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइमिंग होता है, 4 से 7 मिनट का टाइमिंग लगता है, जिससे कि इसमें जो मसाला है वो आसानी से, मतलब एकदम सिंपली तरीके से कहा जाता है, नॉर्मली तरीका एक मसाला मिक्स हो जाए, जिन्हें मिक्स करें बाद में आपका बाना निकालने का तरीका यूँ है। टाइमिंग 5 मिनट से ऊपर हो जाएगी तो आप बाहर निकाल सकते हैं, और जब जैसे ये बाहर निकलेगा आप इसको लेके इस मशीन में, यहाँ एक बॉक्स रखा होगा, इस बॉक्स के अंदर डालेंगे। बॉक्स में डालने के बाद जैसे ईंट बनती है, ईंट बनाने के लिए आपको ये हैंडल ऊपर करना है, ये डई पीछे जाएगी। इस बॉक्स को आपको ऐसे आगे लेना है, आगे लेने के बाद यहाँ मसाला चला जाएगा। इसमें मसाला जाने के बाद में इसके लिए आपको इस डई को आगे लाना होगा। जैसे आप आगे लेके आएंगे ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद जो है इसमें ईंट का प्रेशर अपने जितने हैंड से, अपने हाथ से जितने पावर से अपन लगा सकते हैं, फुल लगाना है। उसको लगाने के बाद आपको सिर्फ ये करना है,
ये इसका नॉर्मल तरीका, जनरल तरीका ये होता है, आदमी को यहाँ ही अटकन होती है कि मैं ईंट कैसे बनाऊंगा। तो आपको इस ईंट बनाने का तरीका यही है मैनुअल मशीन का। जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इन दोनों को ऐसे निकालते हैं हम। इस मशीन की खासियत ये है कि कम बजट की मशीन होने के साथ ये आपको अधिक मुनाफा दे सकती है। आपका पहाड़ी एरिया हो, ढाणी हो, गांव हो, खेड़ा हो, या कोई भी एरिया हो, या आप समझिए कि जिस क्षेत्र में लाइट नहीं हो उस क्षेत्र के लिए भी आप इस मशीन को ले जा सकते हैं। ये फोल्डिंग मशीन है, पहाड़ी एरिया में इसको आप खोल के ले जा सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं आता। इसका जो नट बोल्ट अगर टूट जाता है तो 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक आता है। अगर लाइट की जगह आपके पास सोलर प्लांट है या डीजल इंजन है तो उस डीजल इंजन से आप इन दोनों मशीनों को ऑपरेट कर सकते हैं। ये 3 फीट का रोलर मिक्सर है जिसमें 2 HP 3 HP मोटर लगी होती है, और ये मशीन जो है इसमें 1 HP सिंगल फेस और 3 फेस दोनों जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो मोटर लगा सकते हैं। रिया मैडम आप बताएंगे और क्या जानकारी चाहिए जो आप सर आपकी और हमारी बातचीत ऐसे चलती होगी, आप एक बार मशीन को ट्रायल करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ। इसमें आपको फिजिकली ईंट बना के दिखाऊंगा कैसे रॉ मटेरियल डालते हैं मिक्सर में, कैसे इसमें से रॉ मटेरियल बना के अपन निकालते हैं, कितने टाइम में क्या क्या डालते हैं वो आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। पानी और चिपकने का इसका रेशो है, ये आपके हाथ में इस प्रकार से लड्डू बनाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो दिख जाएगी आपको। देखिए अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए मसाला कंप्लीट है और 4-5 मिनट हो चुके हैं। अगर पानी की मात्रा कम हो तो पानी डालना जरूरी होता है। सीमेंट आपके लोकल एरिया में जो भी मिल जाए, जैसे सीके बिरला, भांगड़ या जेके प्लस, जो भी आपके लोकल एरिया में जो सीमेंट बनती है बिकती है उसको आप यूज में ले सकते हैं। 43 ग्रेड और 53 ग्रेड का होता है। और ये पाटिया कौन सा यूज होता है इसमें? इसमें जो प्ले होती है वो 15 mm 20 mm की होती है। इसके लिए अपन ने एडजस्टमेंट कर रखा है। अगर आप कोई भी प्ले लेते हैं तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। एक मिनट दिखाना भैया। और ये पाटिया कितने टाइम तक चलता है एक बार लगाने से? अगर इसमें अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपके 2-3 साल तक कुछ नहीं होगा। वाटरप्रूफ वाला आता है। अगर आप लोकल लेंगे, वाटरप्रूफ वाला नहीं लेंगे या रिसाइकल वाला नहीं लेंगे तो पानी से वो ख़राब हो जाता है। वो भी 1 साल तक चलता है। ये इसमें डेमो हो रहा है, 9-4 दिन का फर्मा लगाया हुआ है। इसके अंदर अपन ईंट बना के देख रहे हैं। भैया मैकेनिक जो है अपने वो डेमो कर रहे हैं, इसको वाइब्रेशन करेंगे। वाइब्रेशन करने से इसकी गैस वगैरह जो है, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह जो है बढ़ाने के लिए अपन। अब इसी कवा निकालेंगे, प्ले को बाहर निकालेंगे। प्ले को बाहर निकालने के बाद उसको चेक करेंगे। भैया इंच टेप लाओ। ये ईंट बनकर तैयार हो गई है। फर्मा जो लगा है मशीन के अंदर वो 943 का लगा है जिसका अपन ने डेमो किया है। ये ईंट को सूखने में कितने दिन लगते हैं और इसको किस टाइप से सुखाया जाता है?
ईंट को सूखने में मैडम क्या है कि मेटल पर डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर एक बैग के अंदर 400 से 600 ml केमिकल जो आता है हार्ड एंड साइन कंपनी का, वो कितना डाला है? कौन सा केमिकल आता है ये? हार्ड एंड साइन कंपनी का एक केमिकल आता है। वो किस यूज में आता है? इसको वो इसको क्या होगा इसमें? वो इसको मजबूती के लिए करते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से आप बजा के देख सकते हैं। इसकी आवाज़ जो है वो आपको बता देगी, जिसको बोलते हैं खन खन की आवाज़, ये अपना बेनिफिट होता है और मजबूती होती है। मैं इसको आपको ईंट को नाप के दिखा दूं मैडम, एक बार आप देख लो, जो फर्मा लगाया था उसमें मशीन में वो ये है 943। हेलो। हेलो, आप कोई भी डई लगा सकते हैं, डई लगा के चेंज करके उसको फर्मे को आप लगा के चेक करके देख सकते हैं। आप हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को मैं सैंपल भी दिखा सकता हूँ बना के। आप आइए डेमो कीजिए, ये है 8 का और यहाँ सेंटर से 4.5, ये प्लेन आएगा, इसमें ये डिजाइनिंग नहीं आएगी क्योंकि प्लास्टिक मोड से बना हुआ है। सर, इस मशीन को ऑर्डर करने का क्या प्रोसेस है? इस मशीन को ऑर्डर करने का प्रोसेस जो है, आप SK&SC में संपर्क कर सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखेंगे उस पर आप कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, और सेल्समैन से आप सेल्स पर्सन से बात करके आपको अच्छी सी जो प्राइस होती है, जो कंपनी का ऑफर चलता है हर महीने इसका ऑफर चलता है, उसमें आप मशीन को खरीद सकते हैं। तो ऑफर में तो फिर आप रेट कम देते होंगे, मशीन में कुछ कम भी करते होंगे फिर? मैडम, हमारी कंपनी में प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, हम क्वालिटी से चलते हैं। अगर आपको जिस प्रकार की क्वालिटी चाहिए उस प्रकार की मशीन बना देते हैं। हमारे यहाँ कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी चलती है, वो ये होती है कि कस्टमर के डिमांड के ऊपर, हम जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसके ऊपर हम मशीन बनाते हैं और डेवलप करते हैं। अब ये बताइए, आप ये कस्टमर को सर्विस किस टाइप से दी जाती है? ग्राहक को सर्विस देने के लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको एक नंबर दिए जाएंगे, उसमें आपकी जो भी समस्या या सर्विस चाहिए उस पर आप संपर्क करके आप अपनी समस्या या सर्विस को प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको सर्विस बराबर मिलेगी। आपको वीडियो कॉलिंग से और कॉल से आपको सर्विस दी जाएगी। अगर आप वीडियो कॉल से और कॉलिंग से या वीडियो कॉलिंग से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको मैकेनिक की सुविधा उपलब्ध की जाएगी, जिसका जो भी चार्ज होगा आपको कंपनी मैकेनिक द्वारा बता दिया जाएगा। आपको नंबर दिए जाएंगे जिससे आप मैकेनिक से बात कर सकते हैं, आप अपनी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी उससे हमें